पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा 11 दिनों का लंबी छुट्टी के बाद आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है जो कि यूजी और पीजी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए है। जितने भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में किसी भी सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारे नोटिस जारी की गई है। सभी नोटिस आप लोग को यहाँ पर मैं विस्तार से बताऊँगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और चैनल में पहली बार प्रवेश किए हैं, ये जो सरकारी ट्रिक चैनल दिख रहा है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आप लोग को पूर्णिया विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अपडेट दिया जाता है। सबसे पहला नोटिस आप लोग को दिखाऊंगा जो कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। ये सेमेस्टर वन सेशन 2024-28 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें बताया गया है वो सभी विद्यार्थी जो अपना ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नहीं भर पाए थे, अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं करवा पाए थे या फिर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो उन सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं 14 नवंबर 2024 से लेकर के 16 नवंबर 2024 यानी कि 2 दिनों का मोहलत दिया गया है। आप सभी अपना परीक्षा फॉर्म का जो प्रोसेस है वो फिलअप कर लेंगे। उसके बाद दूसरा नोटिस आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए दूसरा नोटिस इस प्रकार से है, इसमें आप लोग को बताया गया जो कि द्वितीय सेमेस्टर जून सेशन 2023-27 के विद्यार्थी है उन लोगों के लिए है गया है कि देखिए वो सभी विद्यार्थी जो अपना परिणाम से असंतुष्ट थे या फिर आप लोग किसी भी प्रकार का कोई संदेह है आप लोग को परिणाम से संबंधित, तो आप लोग को दिखाया गया है। इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा, इसमें बताया गया देखिए किसी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की शिकायत करनी हो तो दिनांक 12/11 यानी कि 12 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर 2024 तक महाविद्यालय में प्रवेश करके जो कि अपना सभी जरूरी दस्तावेज जो जो भी संलग्न करने होंगे वो सभी जमा करेंगे। उसके बाद महाविद्यालय द्वारा 18 नवंबर 2024 तक आपका जो कि इस प्रकार से विभाग में जमा किया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और तीसरा नोटिस आप लोग को दिखाने वाला हूँ। देखिए ये नोटिस पीजी वालों के लिए यानी कि जितने भी विद्यार्थी का प्रथम मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वो लोग का क्लास शुरू हो चुकी है, जो कि वे लोग 12/11/2024 से अपना क्लास जो कि आरंभ कर सकते हैं, जाकर के अपना संचालित कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को इस नोटिस में दिखाया गया, इस नोटिस में आप लोग को बताया गया, देखिए ये नोटिस है थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। इसमें बताया गया है जितने भी विद्यार्थी अपना नामांकन नहीं ले पाए हैं वो लोग 16/11/2024 तक नामांकन ले पाएंगे, या फिर किसी कॉलेज का ऑनलाइन के माध्यम से नामांकन ली जाती है तो वो अब ले पाएंगे, क्योंकि वेबसाइट पहले बहुत ही ज़्यादा स्लो थी या किसी कारणवश से ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिए जाते थे, तो अब आप लोग का पेमेंट हो जाएगा और आप लोग को 16/11/2024 तक समय दिया गया है। वो आप लोग को फिर से ये नोटिस दिखाने वाला हूँ जो कि ये नोटिस भी 11 नवंबर को जारी हुई है। ये नोटिस में बताया गया है देखिए वो सभी विद्यार्थी जो प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम 2023-27 में प्रमोटेड या फेल थे उन लोगों के लिए है, वे लोग अपना जो मतलब 13 नवंबर 2024 तक अपना परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। जो भी विद्यार्थी प्रमोटेड हैं उन लोगों के लिए है ये नोटिस, आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है सभी नोटिस। और यहाँ पर आप लोग को लास्ट नोटिस दिख रहा होगा, इसमें बताया गया है निर्देश अनुसार सूचित किया जाता है CBCS स्नातक प्रथम सेमेस्टर सेशन 24-28 के वो सभी विद्यार्थी जो अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे लोग अपना परीक्षा फॉर्म 13 नवंबर 2024 तक भर पाएंगे। तो ये सभी नोटिस आप लोग का था, हम आप लोग को बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ से आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। धन्यवाद।